हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबको बताऊंगा कि ऑल इन वन पॉलिस स्लैम जो कि फॉक्स केयर की तरफ से आता है, पॉलिस और वॉशिंग शैम्पू। तो मैंने कल इसको ख़रीदा हुआ, 6 मंथ हो चुका है और मैं लगभग इसको यूज कर रहा हूँ पहले से ही। तो मुझे कैसा लगा मेरा रिव्यू दूंगा, ये कोई रिकमेंड प्रोडक्ट नहीं है, मैं मेरा खुद का पैसे से ख़रीद के आप सबको बताऊँगा जो कि मुझे अच्छा लगा, कौन कौन चीज़ बुरा लगा। तो आप सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पॉलिश से, क्योंकि आप देख सकते हो ये पीले कलर का है और इसका जो खुशबू है बहुत ही तगड़ी खुशबू है, रसीला आम की तरह बहुत ही अच्छा सा सेंट आता है इसमें से, ठीक है। तो इसका क्वांटिटी है, आप इसको दिखाता हूँ, क्वांटिटी 500 ml है जो कि देख सकते हैं आप। और करीब इसका प्राइस मुझे पता नहीं है, अगर आप फ्लिपकार्ट को सर्च कर लेना लगभग 220-240 रुपये ऐसा कुछ होगा। तो एक बार थोड़ा सा हम कर, हाँ तो जो बता रहा हूँ कि मुझे कैसा लगा पॉलिश मेरा बाइक पे यूज़ करके, तो मेरा बाइक का कलर जो कि है ब्लैक कलर, ब्लैक ग्लॉस, ठीक है, पल्सर 125 है जो कि ब्लैक ग्लॉस कलर है। तो मैं इसमें यूज़ करता था, ये पॉलिश सब जगह पे यूज़ करना है, टायर वगैरह, रिंग पिंग, मेटल पार्ट, फाइबर पार्ट्स, ऑल इन वन, लाइट, हेडलाइट, मिरर्स, ऑल इन वन, ठीक है। तो यूज़ करने के बाद मुझे जो कि अच्छा लगा और बुरा लगा मैं आप सबको बता रहा हूँ। तो एक चीज़ इसका अच्छा है कि इसको लगाने के बाद बाइक से एक बहुत तगड़ी खुशबू आता है, एक इसका फ़ायदा, ठीक है। दो कि इसका बहुत मेहनत करना पड़ता है, इस पॉलिश को लगाने के बाद बहुत रब करना पड़ता है, रब करते जाओ करते जाओ, उसके बाद 2 दिन पर और भी रब करते जाओ करते जाओ, ठीक है, बहुत रब करना पड़ता है। और थोड़ा साइन आता है, ज़्यादा साइन नहीं आता, पॉलिश लगता है कोई पॉलिश किया हो ऐसा ही कुछ लगता है, तेल ऑयल की जैसा चिपका चिपका रहता है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी है, प्राइस के हिसाब से अच्छा है। और मैं अभी इसके बारे में वीडियो बनाए हूँ, तो ये पॉलिश मैं अभी यूज़ करता हूँ, इसको अभी यूज़ नहीं करता हूँ। तो ऐसा कुछ था, और पॉलिश थोड़ा अच्छा है मैट कलर के भी, और अगर आप सब ऑल इन वन जैसे टायर वगैरह सब कुछ में अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो पॉलिश अच्छा है, मगर मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत रब करके टाइम नहीं मिलता इतना, ठीक है, और उतना ग्लोसी भी नहीं होता है, ठीक है। सब कुछ मिला जुला के पॉलिश अच्छा है, क्योंकि इसमें इतना कम प्राइस है, इतना 500 ml का इतना कम प्राइस है, तो इससे ज़्यादा भला और क्या होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप सबसे बात करूँगा कि इसका जो शैम्पू, ठीक है, इसका शैम्पू भी 500 ml है, इसका भी खुशबू बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये शैम्पू का कोई कोई बहुत अच्छा कुछ लगा और कुछ कुछ चीज़ बहुत बुरा लगा, तो मैं पहले बुरा चीज़ बताता हूँ। तो इस शैम्पू को थोड़ा सा में नहीं होता, अगर आप को अगर बाइक को सारी जगह यूज़ करना पड़ेगा तो लगभग आपको 200 ml लगेगा शैम्पू, इतना लगता है। उसके बाद वो जाके फेना होता है जो कि सोप होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है। लेकिन मगर एक फ़ायदा जो कि है कि इस शैम्पू से बाइक को अगर धो तो बाइक का ग्लेज बहुत ही तगड़ी आता है, बहुत ही अच्छे से आता है ग्लेज, और पॉलिश करने का भी ज़रूरत नहीं होता है, इतना सा ग्लेज आता है, और उसके बाद पानी का जो बूंद बूंद छिट्टा पड़ता है ना वो भी नहीं पड़ता। तो पॉलिश का अगर बहुत ही अच्छा है, मैं इससे से ही बाइक धोता हूँ, और भी दो मेरे पास था पड़ा है घर पे नीचे पे, तो मैंने इसको ऐसे ही बाइक को धोता हूँ। तो पॉलिश का रिजल्ट अच्छा है, मगर क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा देता है, एक बोतल 6-7 बार यूज़ करने पे ही चला जाता है, 5-6 बार, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, ऐसा ले सकते हो, इसका कॉम्बो आता है, सिंगल भी आता है, ले सकते हो, फ्लिपकार्ट में प्राइस चेक कर लेना। वो इस पॉलिश का भी 199 लिया था सब लगभग लगता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, तो यूज़ करो और देखो और क्या। तो
चलिए, थैंक यू, बाय, अच्छे रहना।